हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहा था कि फुल स्लीव्स ब्लाउज की कटिंग बता दीजिएगा, पीछे की साइड कॉलर नहीं लगानी है, लेकिन इस तरह से मतलब गला केवल पूरा बंद रखना है, तो ऐसे कटिंग बता दीजिएगा। तो चलो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल स्लीव्स की कटिंग और पीछे का गला बंद इस तरह का ब्लाउज की कटिंग करना सिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने कपड़ा लिया हुआ है, ये हमारा पूरा 1 मीटर का कपड़ा है। अब हम इसको पूरा ओपन कर लेते हैं इस तरह से, और जो साइज है वो 38 साइज है, ठीक है। सीने का साइज जो है ब्लाउज के जो हम बनाने जा रहे हैं वो 38 साइज है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस तरह से इसको पूरा ओपन कर लेंगे। तो देखो, इसमें मैंने पहले एक कुछ मैंने आप लोगों को ही सिखाने के लिए यहाँ पर ये पैटर्न ड्रॉ किया हुआ था, मतलब आप लोगों को ही कुछ सिखाया था इसमें ब्लाउज में कि फोर टक्स कैसे लगाते हैं। तो ये मतलब पैटर्न बना, ये मत सोचना कि ये कैसे है क्या है, तो इसको आप इग्नोर करना, क्योंकि इसका वीडियो मैंने आपको बना के डाला हुआ था चैनल पर। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको सब चीज़ें हटा देते हैं, फिर इसके बाद कटिंग सीखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, कपड़े को छोटा बड़ा करके रखना है। तो जो हम छोटा कर रहे हैं ये हमारा पीछे का पल्ला होगा, और जो बड़ा है वो हमारा आगे का पल्ला होगा। तो पीछे के पल्ले को हमें कितना लंबाई रखनी है, तो देखो यहाँ पर जैसे हमें ब्लाउज तैयार रखना है, पूरा 14 इंच का ब्लाउज तैयार रखना है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, तो 15.5 इंच लेंगे। तो देखो, इसकी 15.5 इंच की ही लंबाई है यहाँ तक की, ठीक है जिलिया। अब उससे हम 1.5 इंच प्लस करके ले रहे हैं, क्योंकि ये हम ब्लाउज बेल्ट वाले मतलब बेल्ट के साथ में बनाएंगे। ये हमने यहाँ पर 1.5 इंच लिया, और बस इस तरह से यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है। तो देखो, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया है, लेकिन इसे हम कट नहीं करेंगे। अगर हम कट कर देंगे तो पूरा कपड़ा हमारा यहाँ तक कट हो जाएगा, क्योंकि हमें इधर साइड से स्लीव्स भी निकालनी है। तो इसलिए अभी हम नीचे का कपड़ा कट नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे, अब हम इसको इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे। तो इसको हम फोल्ड करके कितना ले जाएंगे, तो वो भी आप समझ लीजिएगा। तो देखो, इसको अच्छे से फोल्ड करा, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये हमारा जो ब्लाउज है 38 साइज का है, तो 38 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा हमारा, 9.5 इंच आएगा, है ना। तो यहाँ पर जैसे 9.5 इंच आया जो, तो हम 9.5 इंच के बाद यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 9.5 इंच आया, तो यहाँ से हम 11.5 इंच इतना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। बस इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, ऐसे ही फोल्ड रखना है। तो अब यहाँ पर हम फिर से एक बार लाइन खींच देंगे, जो हमारा यहाँ तक लाइन आएगी। तो देखो, यहाँ से फिर से हम एक बार नाप लेते हैं कि कितना है हमारा पूरा लंबाई, जिससे कि हम बिल्कुल बराबर नाप डाल पाएँ। तो ये 17 है, तो इधर भी हम 17 ही कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर 17 पर निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को, पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे इस तरह से। ये देखो, ये हमने यहाँ पर हमारी लंबाई निकल आई है, जो नीचे का कपड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रख लेंगे, फोल्डेड साइड को अपनी साइड को और खुला भाग को उधर साइड को, जिससे हमें जो बाकी के नाप डालने हैं वो डालने में आसानी रहेगी। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर रख लिया है। तो फ्रेंड्स देखो, हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली है। अब लंबाई निकालने के बाद क्या करेंगे, इधर साइड हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान डालना है, ये हमने गले का 2.5 इंच पर निशान डाल दिया। और फिर इसके बाद इसकी लेंथ लेनी है, गले की लेंथ। तो आगे आपको जितना गला तैयार रखना है, मुझे 6 इंच तैयार रखना है, तो 1/2 इंच ऐड करके लेंगे, यानी कि 1/2 इंच यहाँ पर हम बढ़ा लेंगे। तो कोई जितना भी आपको तैयार रखना है उसमें 1/2 इंच प्लस करके इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा, और फिर इधर साइड को एक लाइन खींच लीजिएगा। ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया। अब इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे, और यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपने शोल्डर का नाप डालेंगे, तो कपड़े के बंद भाग से। देखो, जैसे हम नॉर्मल सा ब्लाउज बनाते हैं, जब हम पीछे का गला बंद नहीं रखते हैं, तब वहाँ पर हम शोल्डर 5 इंच पर ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें गला पीछे का बंद रखना है, इसलिए कोई भी साइज हो, इसलिए यहाँ पर हम शोल्डर ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर कितना ले रहे हैं, कपड़े के बंद भाग से 7 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हमें 7 इंच पर नाप डालना है। अब इसी वाले निशान से हम नीचे की साइड आर्म होल का नाप ले जाएंगे, तो ये ले जा रहे हैं हम 6.5 इंच। तो इस तरह से ये 6.5 इंच पर एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से, और फिर इसके बाद इधर एक फिटिंग डालेंगे। तो फिटिंग हमारा जो ब्लाउज है वो 38 साइज का है, तो हमारा फिटिंग आएगा 9.5 इंच। यहाँ से हमने इंची टेप 9.5 इंच पर रखा, और इधर जितनी एक्स्ट्रा हमारे इंची टेप जा रहा है वहाँ तक हम एक लाइन खींच लेंगे। इसके बाद 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे इस तरह से, ये हमने मार्जिन ले लिया।
और यहाँ पर हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। तो देखो ये हम यहाँ से सेंटर से ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जब हम नॉर्मल सा ब्लाउज बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर बना रहे हैं फुल स्लीव्स का ब्लाउज, तो इसके लिए हाफ इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे और फिर ये निशान डालने के बाद इधर साइड को जाएंगे ऐसे, ये ऐसे लाइन लाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया, जिससे क्या होता है यहाँ पर हमारा ज्यादा कपड़ा हो जाता है तो फिर झोल आता है, इसलिए हाफ इंच अंदर की साइड को यहाँ पर हमें डाउन कर लेना है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की लाइन खींचेंगे जो कि हमारा पीछे वाला पल्ला कट होगा और 1 इंच आगे वाले पल्ले पे, और बस यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेनी है। तो देखो इस तरह से हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया है अपने आर्म होल पे। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालना है, तो कमर जो है वो 32 साइज की है, तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। 8 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है, 2 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला देंगे, पहले तो फिटिंग वाले पॉइंट से सीने के फिटिंग में जो हमने नाप डाला है वो, और नीचे का कमर का उस तरह से मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ये देखो, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने बेल्ट का निशान डालेंगे, तो बेल्ट के लिए ऊपर से हम ले रहे हैं 12.5 इंच पर निशान, तो इस तरह से ये हमने 12.5 इंच पर निशान डाला, और यहीं से नीचे की साइड देखेंगे कि कितना फैब्रिक बचा है, 4.5 इंच, तो इधर हम 3.5 इंच पर निशान डाल देंगे, ये हमने निशान डाल दिया। अब ये निशान और ये निशान को मिलाते हुए इस तरह से हल्की सी तिरछी लाइन आएगी, बस इसी तरह से लाइन खींच देनी है, ये हमने यहाँ लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लेंगे, जिससे कि जो हमारा बेल्ट होता है ना इसमें बहुत अच्छी फिटिंग आती है, ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद यहाँ पर ऊपर से नाप डालेंगे बस्ट पॉइंट का, तो ये हमने यहाँ पर 9.5 इंच ले लिया, तो इस तरह से ये हम 9.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब इसी निशान से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डाल देंगे अपने बस्ट पॉइंट टक्स के लिए, तो ये हमने यहाँ पर एक टक्स डाला और एक टक्स हम नीचे की साइड डालेंगे, तो 4 टक्स हमारे ब्लाउज में डलते हैं। चारों सब टक्स को हम क्या करते हैं, सारे टक्स हम 1.5 इंच अपने बस्ट पॉइंट से छोड़ते हुए ही निशान लगाना है, ठीक है। एक हमारा ये हो गया, और ये जो इधर जाएगा तो इसके ऊपर कम से कम 1 इंच ऊपर दूरी पर रहना ही चाहिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर साइड निशान डालेंगे जो कि हमारा एक टक्स इधर लगेगा, तो ये भी हम 1.5 इंच छोड़ते हुए ही डालेंगे, तो ये हो गए हमारे 4 टक्स कंप्लीट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो इस तरह से ये हमने इतने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी बाहर से कटिंग करेंगे, और यहाँ पर गला अभी नहीं कट करेंगे, गले को हम क्या करेंगे इधर से कट कर लेंगे, बैक पार्ट को अलग कर लेंगे, और फिर इसके बाद फ्रंट पार्ट के गले को कट करेंगे। तो अभी हम इसकी कटिंग ऐसे ही कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पर बाहर से कटिंग कर लिया है। यहाँ पर आपको एक चीज और करनी है, इधर साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे लेंगे और यहाँ पर पूरा कपड़ा रहेगा, और इसी वाले पॉइंट को ऐसे तिरछा मिलाते हुए कटिंग करेंगे। इससे क्या होता है हमारे शोल्डर पे, मतलब शोल्डर जो हमारे शोल्डर की सिलाई होती है ना वो अच्छी आती है, तो इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे। देखो फुल साइज का ब्लाउज बनाना होता है तो इसको ऐसे ही शोल्डर हम कट करते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीछे वाला पल्ला है इसको हम निकाल देंगे, और जो आगे वाला पल्ला है इसको हम फिर से ऐसे ही फोल्ड करके रखेंगे, और जो हमारा 1/2 इंच अंदर की साइड डाउन है इसे कट कर देंगे, और अपना गला कट कर लेंगे, तो इसे हम कट कर देते हैं। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने अपना गला कट कर लिया है। अब गला कट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पर बेल्ट रखा हुआ है ना, ऐसे ही हम बेल्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर अपनी बेल्ट भी अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसको पूरा ओपन करेंगे, इस तरह से रखेंगे, और जैसे हमने इधर टक्स डाला है सेम ऐसे ही इधर भी डालेंगे। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे, और पलटने के बाद इसको हम इस तरह से डब डब करेंगे, यहाँ पर हमारा दूसरे साइड छप जाएगा, और बस इसी को हम डार्क कर देंगे। इससे क्या होता है हमें दोबारा से निशान लगाना नहीं पड़ता है। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर इधर साइड भी निशान डाल दिया है। अब क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही बराबर से रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर पहले तो हम सेंटर से एक लाइन खींचेंगे और इसको ऐसे ही कट कर देंगे। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने फ्रंट पार्ट की पूरी कटिंग कर लिया है। अब हम इन पल्लों को साइड में रखते हैं, और इनको रखने के बाद जो हमारा फ्रंट बैक पार्ट है इसको ले लेंगे, इसको हम इस तरह से बराबर से रखेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको हमने रखा। रखने के बाद यहाँ पर हम गले की सिर्फ और सिर्फ 1 इंच पर गहराई देंगे, 2.5 इंच, मतलब इधर से 2.5 इंच पर निशान लगाना है। ये हमने यहाँ पर गले के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाया और फिर इसके बाद नीचे की साइड केवल 1 इंच की लंबाई ले जाएंगे और फिर इधर साइड को ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और गोलाई कर लेंगे और इसको ऐसे ही कट कर देंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर पीछे के पल्ले की भी कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हम डॉट का निशान डालेंगे। तो कपड़े के बंद भाग से 4 इंच लिया, ऊपर की साइड भी हमने 4 इंच लिया और बस इस तरह से ये हमने एक डॉट डाल दिया। सेम ऐसे ही इधर भी डाल देंगे, 4 इंच अंदर की साइड और 4 इंच ऊपर की साइड। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने यहाँ पर पीछे के पल्ले पे भी डॉट डाल दिया है। ये हमारा पीछे का और आगे का पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, इसको हमने क्या किया, डबल फोल्ड कर लिया और डबल फोल्ड करने के बाद इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 4 लेयर हो गया। ये हमारी स्लीव्स की लेंथ आएगी। अभी इधर जो हमारा मतलब बराबर कपड़ा नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, अब बराबर से यहाँ से कट कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ज्वाइंट लगाएंगे। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर कट कर लिया है। कट करने के बाद ये जो हमारा साइड से कपड़ा बचा हुआ है ना, इसको हम इस तरह से डबल करके और यहाँ पर एक साइड सिलाई लगा देंगे तो फिर ये थोड़ी सी लंबाई हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो हमारे आर्म होल पे जो खिंचाव वगैरह होता है, अगर हम छोटा कट कर लेंगे तो खिंचाव आएगा ब्लाउज में, इसलिए यहाँ पर इसको बिल्कुल बराबर कट करना है। तो यहाँ पर मैं ज्वाइंट लगा लेती हूँ, उसके बाद कटिंग करना आपको सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर ज्वाइंट लगा लिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे और फिर इसको ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। तो आप सीधे साइड को ऐसे डबल फोल्ड करके रखिएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर रखा, तो सिर्फ एक साइड हमने ज्वाइंट लगाया है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करने के बाद फिर से इसको एक बार फोल्ड कर देंगे। तो चलो इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेते हैं जिससे कि प्लेन रहेगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। इस तरह से ये हमने यहाँ पर इसे फोल्ड कर लिया है। अब फोल्ड करने के बाद देखो, यहाँ पर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर लेंथ आपको जितनी भी स्लीव्स की रखनी है, ठीक है, वो लेना है। तो मुझे यहाँ पर जितनी स्लीव्स की लेंथ आ जाए उतनी रखनी है, 19 इंच तक में। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, मतलब ये 18 इंच तैयार रखना है हमको स्लीव्स। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच प्लस करके लेंगे, 19.5 इंच। इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक निशान देना है। ये हमने यहाँ पर निशान लगाया और अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया है तो ये हम पूरे में लाइन खींच देते हैं। इस तरह से देखो, ये हमारी पूरी लंबाई हो गई। अब ये लंबाई लेने के बाद जो हमारा गोलाई होगी, जो आर्म होल साइड, तो ये हमारी कितनी, जैसे कि ये हमारा 38 साइज ब्लाउज है तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। अब उसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे तो 10 आएगा। तो हम इसकी लेंथ ले रहे हैं पूरी 10 इंच, तो ये पूरा यहीं तक आ रहा है। अब इसके बाद अंदर की साइड देखो, ये फुल लेंथ है तो इसलिए हम 3.5 इंच पर एक पॉइंट देंगे। ये हमने 3.5 इंच पर पॉइंट दिया। अब इसी पॉइंट से हम इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे। इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब यहाँ पर हमें अपने स्लीव्स का शेप देना है, यानी कि इस आकार का हल्का सा शेप देंगे। देखो ऐसे, ये लाइन सिर्फ हम इसलिए खींचते हैं कि जो हमारी स्लीव्स का शेप देना होता है वो अच्छा आ जाए। तो इस तरह से हल्का सा इस आकार का शेप लाना है। तो यहाँ पर इधर साइड ऐसे बाहर के को रहेगा जो लाइन है और फिर इधर अंदर की साइड को ऐसे हम यहाँ पर गोलाई कर लेंगे अपनी स्लीव्स में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे गोलाई कर लिया है। अब आगे की साइड यहाँ पर हमें अपनी फिटिंग का नाप डालना है। तो जो फिटिंग है वो हमारी है 5.5 इंच। इस तरह से हमने यहाँ पर नाप डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। तो ये हमारा 1.5 इंच मार्जिन लिया। अब जो हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है वहीं से इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारी जो फिटिंग वाली लाइन है, इस तरह से कोने से कोना मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच लेंगे। मतलब यहाँ पर 1 इंच ऊपर से लाइन खींचेंगे ऐसे। और बस अब हम इसकी बाहर वाले लाइनों से कटिंग कर लेंगे। तो इसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारी कटिंग कर लिया है। अब ये कटिंग करने के बाद इसको हम पूरा फैला के रखेंगे। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ज्वाइंट लगाया है तो इसके लिए हम क्या ध्यान देंगे, जो हमारा उल्टा साइड है वो अंदर रहे या फिर सीधा साइड अंदर रहे। मतलब कि अगर हमने अंदर की साइड को उल्टा साइड रखा है तो दोनों का ही उल्टा साइड अंदर रहे, और अगर हमने बाहर की साइड सीधा साइड रखा है दोनों का तो बाहर की साइड दोनों रहे, ठीक है। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हल्का सा 1/2 इंच अंदर की साइड को गोलाई देते हैं।
बस हल्की सी देना है हाफ इंच अंदर की साइड और ऐसे ही कटिंग कर देंगे। तो बस इसे हम कट कर लेते हैं। तो देखो इस तरह से ये हमने यहाँ पर भी छाट दे दिया है। अब ये हमारी स्लीव्स की भी पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर जो भी कपड़ा बचा हुआ है यहाँ से हमें हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए ढाई ढाई इंच की पट्टियां निकाल लेनी है। तो बस यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो पट्टियां निकाल ली है, एक अपनी हुक पट्टी और एक आई पट्टी। तो देखो इतना सब निकालने के बाद सिर्फ हमारा इतना कपड़ा बचा हुआ है। यहाँ पर हम गले की पाइपिंग नहीं बना पाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तुरपाई वाला गला बनाएंगे, क्योंकि 1 मीटर कपड़े में सिर्फ इतनी ही हमारे कपड़े निकल पाए हैं। मतलब क्योंकि स्लीव्स की लेंथ थोड़ी मैंने ज्यादा कर दी है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने फ्रंट और बैक की कटिंग कर लिया है और स्लीव्स की कटिंग कर लिया है, हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लिया है। केवल यहाँ पर हमें पाइपिंग के लिए कपड़ा चाहिए होगा। तो चलो यहाँ पर जो हमारा गला पीछे का है उसको हम इससे निकाल लेंगे। तो बाकी चीजें मैं जब सिलाई करूंगी ना वहां पर आपको सारे कपड़े निकालना बता दूंगी। मतलब केवल गले के लिए कपड़ा चाहिए तो कैसे निकालना है वो हम लोग जब सिलाई सीखेंगे तो वहां पर सीख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही सीखने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में जिसमें हम लोग इसकी सिलाई सीखते हैं। तो चलो हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।